अच्छा भाई, रामेश भाई हो चुके हैं कॉल पे मेरे साथ, गरम गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि भाई, अच्छा भाई एसेसरी अपनी सारी बाहर निकल चुकी है। तो ये रामेश अब न्यूजीलैंड मूव हो गया है। मुझे पता ही नहीं है, मैं पहली दफा देख रही है सारा कुछ, वो कब खरीद के लाता था और कहां रख देता था। आप मेरे ख्याल इसको पकड़ा पहली दफा है आपने, है ना? ना, ये भी अपना है गोप्रो जो कभी यूज ही नहीं किया। मुबारक हो, डील हमारी हो गई। और अच्छा भाई, आते ही हमें एक पार्सल भी रिसीव हो चुका है, ये भेजा है राजा जी, लव यू हो गया। अच्छा भाई, अनबॉक्सिंग करने लगे हैं, आप खोलो ना। यहाँ से इस तरीके से ऐसे कर देना है। राजा जी लव यू हो गया। ये ऐसे खोल देंगे और ये माशाल्लाह क्या ही कहने हैं, खूबसूरत भाई। अभी इसके ऊपर वो लगाते हैं, प्रोटेक्टर लगवाते हैं और साथ में इसका कवर। लो जी, लो जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है आप सबका हम खुशामदीद करते हैं एक और खूबसूरत से व्लॉग में, अपने खूबसूरत सी अम्मी जान के साथ और अपने खूबसूरत से बाबा जी के साथ। वालेकुम अस्सलाम भाई, आपने देखा था पिछले क्लिप में कि बाबा ने मम्मा को न्यू मोबाइल गिफ्ट किया है, 15 Pro Max भाई। तो ट्रीट तो बनती है, जब तक भाई पेट पूजा नहीं होगी, ट्रीट नहीं लेंगे तब तक भाई हमारा काम पूरा नहीं होगा। तो आज लाहौर का भाई मौसम था बड़ा खूबसूरत, तो मम्मा ने फरमाइश की बाबा से कि भाई हमें आप नाश्ता करवा के आए। तो अभी हम जा रहे हैं भाई मजेदार सा आउटडोर नाश्ता करने। आउटडोर नाश्ता मतलब यार, बस आउटडोर नाश्ता करें। मतलब समझ नहीं आई आउटडोर नाश्ता। अरे कहना क्या चाहते हो, आउटडोर नाश्ता का मतलब घर से बाहर। अच्छा, घर से बाहर। तो भाई अभी चलते हैं नाश्ता करने। हम भी अब ना भाई लाहौरी होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ना, हमें भी अब लाहौरियों वाली आदतें आ रही हैं, सुबह सुबह उठना, नाश्ता करने जाना। मास्क के पीछे की बहुत बड़ी कहानी है। A few moments later. मम्मा जी आज का वजीफा भी बता दें, क्योंकि भाई ये वजाइफ सारे मम्मा ने किए हुए हैं, खुद किए हुए, इसलिए मम्मा आप सबको बताती हैं। ना हमारी माँ पे कोई पीर नहीं है, अक्सर कमेंट आ रहे होते हैं कि भाई पीर नहीं, नहीं भाई हम पीर शीर कोई नहीं है। हर फर्ज नमाज के बाद आपने अपना दायां हाथ सर पे रख के ना पढ़ने बिस्मिल्लाहिल्लाज़ीलाइलाहाइल्लाहुर्रहमानुर्रहीम अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्निल हम्मा वल हुज़्न, ठीक है। इसके बाद फौरन आयतल कुर्सी पढ़नी है और इस दौरान किसी से बात नहीं करनी। हर फर्ज नमाज के बाद, यानी फजर जोहर जी, जब भी फर्ज की नमाज आए अपने ये दो चीजें हर फर्ज नमाज के बाद पढ़नी है। तो जी ब्रेकफास्ट करके हम आ चुके हैं घर, वहां पे मैं ज्यादा व्लॉग नहीं कर पाए क्योंकि भाई इतने ज्यादा वहां पे फैंस थे, फैमिलीज थी, तो मैंने समझा कि भाई यहाँ पे व्लॉग करना कोई जरूरी नहीं है, फैंस को ही टाइम दिया जाए। तो भाई अभी बाबा और मैंने जाना है निस्बत रोड, यानी कि कैमरा मार्केट। क्या करने जाना है, ये है सारी रीजन, हमने भाई ये करने जाना है। अभी मैं ये सारा सामान निकालता हूँ बाहर, फिर आपको दिखाता हूँ कि भाई हमने क्या करने जाना है और क्यों जाना है। हम तो मुबारक देना भूल गए नए 15 प्रो मैक्स की, क्या बात है भाई। अब हमारी मम्मा भी, जरा नीचे करके दिखाएं, अब हमारी मम्मा भी भाई प्रो यूज़र बन चुकी है, क्या बात है भाई। अभी आप सब लोग पूछेंगे भाई कितने का लिया कितने का लिया, तो मैं बता देता हूँ, ये रहा बिल। तो भाई ये हमें पड़ा है 5,20,000 रुपये में मम्मा का हमें 15 प्रो मैक्स, क्या बात है जी। प्रो यूज़र्स हैं जी, आप सब करते थे तो मैं ना करती। मेरा मूड बन रहा है मैं भी ले लूं क्या एक और 15 प्रो मैक्स। आप सब भी मम्मा को आके भाई 15 प्रो मैक्स की मुबारक दे दे। अब हमारी मम्मा यो होती जा रही है डिफेंस में आके, हाँ जी सहेलियां 15 प्रो मैक्स, घूमना फिरना मम्मा, क्या बात है सर आपकी, क्या बात है। अच्छा भाई एसेसरी अपनी सारी बाहर निकल चुकी है, आप सब भी कह रहे होंगे भाई टेबल पे इस तरह लगाई हुई है जिस तरह ये कोई लंडा बाजार नहीं लगा होता सामान का, ये वो लगाया हुआ है। नहीं भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, ये आपको बताएंगे बाबा के भाई हमने बाहर सामान क्यों निकाला है। हाँ जी बाबा। बेटा ये सामान सारा जो है ये रामेश के रूम से निकला है, ये टैक का जितना भी सामान है, रामेश को इसका शौक था लेने का, जरूरत भी थी, जरूरत भी हो सकती थी, शौक भी था उसका ज्यादा। तो ये रामेश अब न्यूजीलैंड मूव हो गया है, उसने वहां जाके न्यू परचेजिंग कर ली है सारी,
तो हम चाह रहे हैं अभी इसको हम सेल आउट कर दें। तो अभी मैं आपको भाई बताता हूँ कि इसमें क्या क्या है, क्योंकि इस तरह की चीजों का सिर्फ रामेश भाई को ही शौक है न्यू कैमराज लेने, लेंस, गिम्बल, माइक। मुझे ना इन चीजों में इंटरेस्ट है ना मुझे शौक है। दो भाई वो भी अलग अलग। बाबा ये इसका है, ये बटन है इसका। हाँ बस ठीक है, ऑन हो गया ना। अच्छा। ऑन तो हो गया ये। आप मेरे ख्याल इसको पकड़ा पहली दफा आपने, है ना? ना मैंने पहली दफा पकड़ा। ये यूज ही नहीं हुआ, दूसरा यूज हुआ था जो बड़े, ये यूज नहीं हुआ, वो दूसरा यूज हुआ है जो कैमरे का था। ये भाई एक दिन भी हमने यूज नहीं किया, जिस तरह लेके आए थे वैसे का वैसे ही पड़ा रहा है। सबसे पहले भाई हमारे पास है EF 50mm लेंस है, एक हमारे पास कैनन M50 खूबसूरत कैमरा। भाई यूट्यूबर्स के लिए ये बेस्ट कैमरा है अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहा है। इसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे है ब्रांड न्यू GoPro 9। ये भी भाई सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा यूज़ किया रामेश भाई ने, उसके बाद ये ऐसे कैसे ही पड़ा रहा है। उसके बाद ये हमारे पास पूरी किट है GoPro 9 की। उसके बाद हमारे पास GoPro 9 का ये वाटरप्रूफ केस है, ये भी बड़ा महंगा लिया था भाई हमने। उसके बाद जी हमारे पास यहाँ पे हैं माइक और लेंस है, बैटरीज हैं, और ये एक ये माइक है और एक ये मोबाइल गिम्बल है। ये सारी चीज़ें भाई मेरे हिसाब से ना इस टाइम इनकी वैल्यू होगी तकरीबन बाबा 4-5 लाख के करीब। तो अभी फिर बाबा और मेरा प्लान बना के भाई चीज़ें निकालते हैं, मार्केट चलते हैं, और जो इनका आज के हिसाब से मार्केट का रेट होगा वो जाके हम सेल कर देते हैं। ठीक नहीं मामा? घर में जो पड़ी हैं खराब हो जाती हैं ये सेल करके ना, मैं 15 प्रो मैक्स पैसे आन के सेल करके भाई अभी मैं इनको सारों चीजों को करता हूँ पैक, अपने बैग में डालते हैं और निकलते हैं। निस्बत रोड जाना पड़ेगा ना बाबा। बस वो लड़का जो है ना जो चीज समझ आई वो लेता रहा लेता रहा। मुझे पता ही नहीं है, मैं पहली दफा देख रही है सारा कुछ, वो कब खरीद के लाता था और कहाँ रख देता था। नहीं पता? नहीं। मुझे भी आज चीजें पता चली हैं कि भाई ये चीजें घर पड़ी हुई। मुझे ये GoPro भूल गया हुआ था, ये तकरीबन भाई इस टाइम 70-80 हज़ार रुपए का हो चुका है GoPro, और मुझे पता ही नहीं कि घर GoPro पड़ा हुआ है। शौक है जी गरीब चीजें इकट्ठी करने का और फजूल चीजें इकट्ठी करने का। ये 3 कार्ड है, 5 बैटरीज हैं भाई इनके साथ, कैमरे के साथ जो भाई रामेश ने ली थी। बड़ा शौक है ऐसे चीजें इकट्ठी करने का। अच्छा फिर लेके ना, हाँ जी, फिर भूल जाता है। फिर उसे पता भी नहीं होता अभी कहाँ रखी हैं कहाँ नहीं। बाबा बैग में डालनी है, किस चीज में डालनी है? अच्छा भाई रामेश भाई हो चुके हैं कॉल पे मेरे साथ, गरम गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि भाई एक्सेसरी वाले बैग में हमारे पास कोई 30-40 हज़ार के कार्ड थे, वो यूं ही जा रहे थे। ये इसका ले? हाँ जी ये इसका, वो तो रामेश भाई ने कॉल की, मैंने देखे नहीं ना एक्सेसरी वाला बैग, देखा बाकी सारी चीजें चेक की सारी और कार्ड निकले। अभी भाई अपनी चीजों का पता है, अभी आप कह रही थी नहीं पता, अभी आप कह रही थी नहीं पता, रामेश को नहीं पता भूल जाता है, लेकिन रामेश को याद है जो चीजें खरीदी हुई हैं। वो भी याद है जो तुम्हें पता नहीं। मैं कहती वो चीजें ला ला के ना रख देता है और फिर बाद में भूल जाता है भी मैंने क्या लेके आया। अभी भाई मैं अपना लैपटॉप ले आऊं और ये कार्ड भाई फॉर्मेट करते हैं। अभी जी लैपटॉप मैंने मंगवा लिया है बाहर, हम तो जाने लगे थे लेकिन एक नया कटा खुल गया, कार्ड निकल आया और कार्ड में थे भाई रामेश भाई का डाटा, मैं डाटा करने लगा हूँ कॉपी। ये लैपटॉप भी रामेश भाई की तरफ से मुझे मिला था गिफ्ट। भाई क्या खूबसूरत गेमिंग लैपटॉप है ओमन ब्रो, इसका पूरा नाम क्या है? अच्छा भाई ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई है ना, आप जाके गूगल पे इन सारी चीज़ों के भाई रेट चेक कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने की हैं और रामेश भाई ने कितने कितनी इन्वेस्टमेंट करके घर में रखी हुई है। पहले मैं व्लॉग कर रहा था मम्मा के मोबाइल से, मम्मा की भाई अंदर सहेली आ चुकी हैं, अब मैं कर रहा हूँ बाबा के मोबाइल से व्लॉग। मेरे हिसाब में ये 3-3.5 लाख का सामान है। एक्सेसरी भाई अपनी हमने सारी रख ली है, अब करते हैं अपने बैग को क्लोज और सामान भाई बेच के आते हैं बाजार में, देखते हैं कि भाई हमारी चीज़ों का क्या रेट लगता है। आज ना कुछ मैं चाह रहा हूँ बेच के आऊँ क्योंकि भाई मैंने फिर अपना लेना है 15 प्रो मैक्स भाई न्यू कलर में, ताकि मेरे पास दो दो आईफोन हो जाएं। गाड़ी बाबा मैंने मंगवा ली है, गाड़ी भी अपनी आ चुकी है बाहर, अभी हम निकलेंगे निस्बत रोड की तरफ। और हर कोई मुझसे पूछता है कि अली भाई आप हर टाइम ग्लासेस क्यों लगा के रखते हैं, यानी कि चश्मा। मैं इसलिए लगा के रखता हूँ कि भाई कोई लड़की मेरी आंखों में देखे कहीं उसको मुझसे प्यार ना हो जाए, इस वजह से है ना। अबे साले जब माफ कर, आंखें हैं इतनी खूबसूरत ना, तो इस वजह से हम ग्लासेस लगा के रखते हैं। तो गाड़ी अपनी आ चुकी है, अभी निकलते हैं भाई बाहर। बिस्मिल्लाह
चलो जी। अच्छा भाई, निस्बत रोड हम पहुंच चुके हैं। रश काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि भाई PSL हो रहे हैं, मैचेस तो हमें काफ़ी टाइम लग गया। अभी हम आए हुए हैं रामशी भाई के दोस्त की तरफ, समझ लें कि अपनी ही हमारी शॉप है। तो अभी भाई रेट रूट लग रहे हैं चीज़ों के, देखते हैं कि भाई क्या बनता है और हमारी चीज़ें कितने की सेल होती हैं। अच्छा भाई, सामान सारा आकी भाई ने चेक कर लिया। रामेश भाई के बड़े ही पुराने दोस्त हैं, निस्बत रोड का और यूट्यूबर्स का बड़ा पुराना ताल्लुक है, बहुत पुराना। जो नया नया यूट्यूबर है वो निस्बत रोड आएगा ही आएगा, और हमारे भी यहाँ बड़े चक्कर लगे हैं। अच्छा जी, सामान चेक हो गया। जो पैसे हमें भाई बता रहे हैं वो हम नहीं लेना चाह रहे, जो हम बता रहे हैं वो नहीं देना चाह रहे। ये भी अपना है GoPro, जो कभी यूज़ ही नहीं किया। 10 years later. अच्छा भाई, मुबारक हो, डील हमारी हो गई और पैसे पूसे भी हमने आकी भाई से ज्यादा ही लिए हैं भाई, क्योंकि ये हमारी अपनी शॉप है। सर थैंक यू, वेलकम, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत का। हमें कहीं और जाना ही नहीं पड़ा, बस ये फायदा होता है अपने रिलेशन का और अच्छे रिलेशन का। जब हम फर्स्ट टाइम आए थे, जब हमारे सब्सक्राइबर 100 भी नहीं थे, तब से आकी भाई के साथ भाई हमारी अच्छी गपशप है, तो आज उस गपशप का फायदा हमें हो गया, कहीं और जाना नहीं पड़ा। तो सर थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, अभी वेट हो रहा है गाड़ी का, और आप कह रहे होंगे भाई मास्क क्यों लगाया हुआ है, इसके पीछे की भी भाई एक बहुत बड़ी रीज़न है मास्क लगाने की, समझा करें, लगाना पड़ता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ना, समझ रहे हैं बात को, तो इस वजह से मास्क हमें ज़रूरी है लगाना। A few moments later. बिस्मिल्लाह, लो जी घर हम पहुंच चुके हैं। तो भाई हमारी कोई चीज़ सेल नहीं हुई, सारी चीज़ें हम ले आए हैं घर, कोई चीज़ भी सेल नहीं हुई मम्मा। भाई सारी चीज़ें सेल करके आ चुके हैं हम घर। अच्छा भाई, आते ही हमें एक पार्सल भी रिसीव हो चुका है, ये भेजा है मेरे दोस्त ने, चौधरी उमेर ने। भाई मेरा इको दोस्त है, उसने मुझे ये भाई सामान भेजा है, पता नहीं क्या है। ये भाई आया है मुल्तान से, ये लो। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, माशाल्लाह गोड़ ते सोहन हलवे, माशाल्लाह जी, मुल्तान का सोहन हलवा होगा मुझे इसमें लगता है, मुझे लगता है, लगता है, क्या बात है भाई। और ये है भाई गुड़, क्योंकि मेरा दोस्त जो है ना भाई, उनकी अपनी माशाल्लाह से काफ़ी ज़मीनें हैं, काफ़ी ज़मींदार लोग हैं भाई, तो उन्होंने अपनी ही ज़मीनों का जो है ना वो गुड़ भेज दिया। यार थोड़ी चीज़ें और भी भेज दे रही थी, कोई तरीका है भीख मांगने का? अच्छा अब अगली दफ़ा ना आपने पता है क्या भेजना है, मुझे गुड़ भी भेजना है, और क्या होता है मम्मा, सब्जियाँ भी भेजनी है, आलू टमाटर प्याज सारा कुछ, चौधरी उमेर साहब आपने मुझे भेजना है, ठीक है ना। जैसे तू बड़ी सब्जियाँ खाता है। आपको पता है भेजा किसने है? उमेर ने। हाँ जी याद आया, याद आया, सोहन हलवा भी आया अभी भाई, ये चाय के साथ खाए पियेंगे। जब भाई भाई हम एक्सेसरी सेट कर रहे थे, तो मम्मा की आई थी सहेली, और मम्मा के लिए लंदन से लेके आई हैं गिफ्ट, क्योंकि भाई आंटी की सारी फैमिली होती हैं लंदन में, तो ये वहाँ से तस्बी और ये नग आए हैं। अब मम्मा आप इनको बनवा लें ना उसमें अंगूठी में, है ना, तीन नग हैं, स्टोन, हाँ तीन माशाल्लाह। क्या नाम बताया था आंटी ने इनका? एक का तो टाइगर, पता नहीं बता रही थी, बाकियों का नहीं मुझे, दिखाइएगा इधर कीजिएगा मम्मा, कोई खास मालूमात है नहीं है। माशाल्लाह तस्बीह भी बहुत प्यारी है, प्यारी है। अच्छा सारी चीजों से प्यारा कवर है ये, जिसमें ये आई है बॉक्स है। इधर आ चुका है जी अपने पास खाना, हांडी साथ में सिंपल सादी रोटी। बाबा कहीं भी बैठ के आप खाना खा लेते हैं, दरवेश दरवेश लोग, हाँ मतलब कुछ भी करके सेटिंग करके बैठ के नहीं खाना, हाँ बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। यहाँ पे जी अपनी आ चुकी है चाय, किस गुड़ की, जो आया है भाई उमेर की तरफ से, हमने आते ही उस गुड़ की चाय भी बना ली। जबरदस्त मजेदार, मजेदार। आपने कमेंट करके बताना है कि भाई जो चीजें मैंने आपको दिखाई थी वो आपके आइडिया के मुताबिक कितने की सेल हुई होंगी। अगर आप सारी चीजों का नहीं बता सकते तो एक एक चीज का बता सकते हैं कि कैनन M50 कितने का सेल हुआ, लेंस कितने का सेल हुआ,
GoPro गिम्बल कितने का सेल हुआ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपके पास भी भाई घर में कोई फालतू चीज़ें हैं ना, तो उनको भी बेच दें, घर में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब कुछ दिनों तक ना मैं सोच रहा हूँ 15 Pro Max। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।